के लिए। कहाँ जा रहे हो? लंदन। पर क्यों? मैंने तुम्हारी बातों को बहुत सोचा, सोचने के बाद रियलाइज हुआ तुमने जो कहा सही कहा। प्यार जोर जबरदस्ती से नहीं होती है। जैकब तुमसे प्यार करता है, उसकी खुशी तुम हो। तुम दोनों का प्यार सच्चा है, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती हूँ। मैं अगर यहाँ रही तो जैकब को भूल नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तुम सच बोल रहे हो? मैं जानती हूँ तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे। ओके बाय, मैं चलती हूँ। योंजी जाने लगती है। योंजी जाने से पहले एक जादू की झप्पी नहीं दोगे? हाँ क्यों नहीं। दोनों एक दूसरे को हाँ कर लेती है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। मुझे भूल मत जाना। नहीं भूलूंगी। तो हम एक बात बोलना चाहती हूँ, भैया से संभल के रहना। मैं आती हूँ। योंजी चली जाती है। जीनू मेरी फाइल कहाँ है? मेरी वॉच भी नहीं मिल रहा है। जीनू तुम कहाँ हो? क्या है? दोनों बाप बेटे ने मुझे पागल करके छोड़ेगा। तुम क्या बच्चे हो? तुम अपना चीज ढूंढ नहीं पाते हो? ऐसे हंस क्यों रहे हो? छोड़ो मुझे। जान तुम मुझे अब बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो। थोड़ी मेरी तरफ भी देखा करो, मुझे भी तुम्हारा प्यार चाहिए। सॉरी अरे मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही हूँ। कोई बात नहीं है, मैं समझता हूँ। बेबी आने के बाद तुम बहुत बिजी हो गए हो। थैंक यू मुझे समझने के लिए। आप ऑफिस जाओ। अब क्या हुआ? जीनू मुझे तुमसे दो चीज चाहिए। हाँ क्या? एक, मैं जब ऑफिस जाऊँगा तब तुम मुझे किस दोगे, और जब मैं वापस आऊँगा मुझे किस दोगे। एक ये दवाई है जो तुम सुबह लोगे और शाम को लोगे। हाँ ये मेरा एनर्जी की दवाई है। अरे तुम भी ना दो मुझे। अब लो हो गया? नहीं अब हो गया। बाय, मैं अब आता हूँ। आरम चला जाता है। बेबी ऐसे क्यों बैठे हो? मैं घर बैठे बोर हो रही हूँ। तुम्हें कहीं जाना है क्या? हाँ मुझे बाहर जाना है। तो फिर चलो। सच सुगा? हाँ तुम्हारी और मेरे बेबी के खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। सुगा तुम क्या परेशान हो? नहीं तो तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं जिमिन मैं झूठ क्यों बोलूँगा। उठो तैयार हो जाओ। रुको आज मैं तुम्हें तैयार करूँगा। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। मैं बहुत लकी हूँ तुम मुझे मिली। सुगा मैं भी तो बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिले। हे बेबी पापा तुमसे और मम्मा से बहुत प्यार करता है। तुम दोनों के लिए पापा सब कुछ कर सकता है। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे जैसे जीवन साथी बना बहुत किस्मत की बात है। बस भी करो अब चलो। और हाँ कभी भी रोना मत, क्योंकि तुम रोगे तो हमारा बेबी भी रोएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी बेबी रोए। समझे बेबी मोची? सुगा सुगा जमीन को बाहों में उठा लेता है। सुगा मैं चल के जा सकती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ बेबी। ए तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? भाभी मैं जमीन को लेकर बाहर जा रहा हूँ, घर में बैठे बैठे वो बोर हो रही है। ठीक है जाओ संभाल के रहना। हाँ दोनों चले जाते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। सच? हाँ
हम दोनों एक साथ बाहर घूमने जाएंगे। क्या सच? हाँ, लेकिन मैं जा नहीं सकती। क्यों? मुझे बहुत काम है। मैं तुम्हारी सब काम सब में बांट दिया है। क्या? हाँ, डोंट वरी, डॉक्टर जेनी, लिसा और तुम्हारी चाचू वापस आ रहे हैं। कुछ दिन तक तुम छुट्टी ले सकते हो। हाँ? हाँ, सच में मेरी चाची दुनिया का पहला इंसान है जो हनीमून पे गए है अपने बीबी और बेटी के साथ। हाँ, सही कहा तुमने। मैं भी सोच रहा हूँ हम भी हमारे बच्चे के साथ हनीमून पे जाएंगे। हाँ, अब चलो। हाँ चलो, वो दोनों चले जाते हैं। लव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, हॉस्पिटल जाना है। नहीं बनी, आज मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। क्यों? तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, क्या हुआ है? मुझे देखने दो। कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही। पहले बोल रही हो तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अब बोल रही हो कुछ नहीं हुआ है। देखने दो मुझे। ओ डॉक्टर, तुम्हें लेट हो रहा है। आज आपकी 5 ऑपरेशन है, जल्दी जाइए। मुझे कामचोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, जाओ ना बनी। ओके, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ रखूंगी, अब जाओ। ऐसा क्या देख रहे हो और ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मेरे आने तक तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। हाँ, पर क्यों? मैंने बोला इसलिए। ओके, बनी, मैं जब तक श्योर नहीं हो जाती हूँ मैं तब तक तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। सुगा, क्या बात है, कुछ दिन से देख रही हूँ तुम परेशान हो, रात में ठीक से सोते भी नहीं हो। क्या बोल रहे हो जिमिन तुम? सुगा, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी आंखें सब सब बोल रही है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं बेबी, मैं तुमसे कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ। मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? मैं तो तुम दोनों के बारे में सोच रहा था। हम दोनों के बारे में? हाँ बेबी मोची, तुम सच बोल रहे हो? हाँ बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम ऐसे शक करना बंद करो, वरना मेरे बच्चे भी मुझ पर शक करेगा। सुगा, तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम जानते नहीं हो, प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ जैसा सोचती है बच्चे भी वैसे ही सोचते हैं। तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में बहुत कुछ पता है? हाँ, क्योंकि मैं सर्च करता हूँ। सुगा, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। नहीं सुगा, मुझे भूख नहीं है। मुझे कुछ नहीं खाना है। जान, तुम अगर नहीं खाओगे तो बेबी भूखे रहेंगे। ज्यादा नहीं तो थोड़ा खा लो। ठीक है, थोड़ी सी ही खाऊंगी। हाँ, सुगा चला जाता है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो सुगा? क्या छुपा रहे हो? ये मैं पता करके ही रहूंगी। माय बेबी, तुम्हें पता है मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। हाँ बेबी, पापा भी बहुत प्यार करती है, सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्या बात कर रहे हो माँ बेटे, तुम आ गए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रिंस। जीनू, मैं आज बहुत थक गई हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। कॉफी से पहले मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? अरे बेबी है तो क्या हुआ, उसे भी पता चले उसके मम्मी पापा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अरे तुम पागल हो गए हो, बेबी रोने लगते हैं। हाँ बेबी, बेबी रो मत, मामा पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बेबी चुप हो जाते हैं। हाँ, ये चुप हो गया, एकदम बप्पे गया है। एकदम सही कहा तुमने, बाप का बेटा है, बप्पे ही तो जाएगा। तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। जीन चली जाती है। बेबी सो गए? हाँ सो गए। कॉफी को छोड़ो, तुम मेरे पास आओ, आप मुझे दो। अरे तुम भी ना। हेलो डॉक्टर जेनी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सब कैसे हो? हम भी ठीक हैं। आपका हनीमून कैसा रहा? बहुत अच्छे। आप घर नहीं जाएंगे? नहीं, आज हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तुम दोनों कब जा रहे हो हनीमून पे? शायद अब हम जा नहीं पाएंगे। क्यों? वो आपको बाद में पता चल जाएगा। बाय, मैं आता हूँ। जंगकुक चला जाता है। तुम सब कैसे हो बेटा? चाचू, तेज जाकर जेहब को हक कर लेती है। कैसे है प्रिंसेस तू? मैं ठीक हूँ। आप बोलो, आपके हनीमून कैसा रहा? बहुत अच्छे, हमने तो बहुत मजे किए हैं।
बीवी बच्चे के साथ हनीमून पे जाने का मजा ही अलग है। हाँ, ये तो ना सही कहा। चाचू अपने फोटो खींचना। हाँ बेटा, बहुत सारे। मैं तुझे सब दिखाऊंगा। हाँ चलो चलो। जेहोप और ते दोनों बातें करने लगते हैं। चाचू अगर आप दोनों की बातें हो गए हैं, तो हमारी तरफ भी एक बार देख लिया करो। हम सब भी यहाँ हैं। ओह तुम सब कैसे हो? आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे हैं। ते तू तो मुझे भूल ही गई। ओह सॉरी लिजा। कैसी है तू? अच्छी हूँ। जीनू मेरा पोता कहाँ है? आप आपको उसकी याद है? सॉरी वो सो रहा है। जिमिन बेटा तू कैसी है? मैं ठीक हूँ चाचू। आपकी टूर तो बहुत लंबी थी चाचू। हाँ मैं तुम सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया हूँ। वाह चाचू आप हमारे लिए गिफ्ट लाए हो। हाँ बेटा। लिसा बेटा सबका गिफ्ट सबको दे दो। हाँ पापा। लिसा सबको गिफ्ट दे देती है। चाचू आप हमारी बहन के लिए एक लड़का ढूंढना पड़ेगा। क्यों दी? उसकी शादी कराने के लिए। हाँ लड़का ढूंढने की क्या जरूरत है? उसने तो लड़का ढूंढ कर रखी है। कौन है? डॉक्टर यानो। ते क्या डॉक्टर यानो? हाँ लिसा और डॉक्टर यानो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरी वजह से दोनों के रिश्ते में थोड़ी दरार पड़ गई थी, लेकिन आप ठीक है। लिसा ये सच है? हाँ पापा। लो मेरी बेटी ने तो हमारा काम आसान कर दिया, खुद ही अपने लिए लड़का ढूंढ लिया। पापा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम क्या होगा? तू अगर खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे, क्योंकि तेरी खुशी में हमारी खुशी है। थैंक यू पापा। ये लिसा अब तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। चल थोड़ी सी डांस हो जाए। ते और लिसा डांस करने लगती है। दीदू वो सुबह मेरे पैर में चोट लगी थी, इसीलिए उसने मुझे डांटा।
बात के लिए इतना डांटा? देखो और सीखो अपने भाई से, वो मेरी बहन से कितना प्यार करता है। मोची बेबी, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ बिल्ले, मैं जानती हूँ। तुम बात किसे क्यों देख रहे हो? जीनू, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ पता है मुझे। प्रिंसेस, इसका मतलब घर में सबको पता चल गया है। हाँ चाचू। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चाचू आपकी क्लास लेना बाकी है, आपको तो A to Z सब पता था, लेकिन आपने हमें कुछ नहीं बताया। हाँ चाचू। चाचू आज गई। ते तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। चाचू ऑल द बेस्ट। ते और जंगकुक चले जाते हैं। मुझे नींद आ रहा है। हाँ तो जाकर सो जाओ ना, तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊँ। बेबी तुम्हें इस हालत में चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वो काम भाभी कर देगी, तुम चलो मेरे साथ। सुगा और जिमिन चले जाते हैं। आरएम दोनों कान में हेडफोन लगा लेता है। हाँ जिनू, तुम अब शुरू करो।